हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीआर चौधरी। अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस के 2019 एंड 2020 के पेपर्स, जेई मेन की। और ये फ्रूटफुल होंगे जेई मेंस के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए भी, क्यों नीट भी एनटीए ही कंडक्ट करता है जो जेई मेंस को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन की है। ये सॉल्यूशन एंड गैसियस स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो एक जगह किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। हेनरी लॉ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, यू नो दैट हेनरी लॉ जो है वो इफेक्ट बताता है प्रेशर का, किस पर? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पर। गैस की सोल्युबिलिटी पर प्रेशर का जो इफेक्ट बताता है वो हेनरी लॉ बताता है। तो देखते हैं, ये है, आपको पता होगा हेनरी लॉ। ध्यान देना, ये एक्स ई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है। क्या मीनिंग है इसका देखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो ये आता है एक्स ई इज इक्वल टू के डैस पी ए। के डैस एंड हेनरी कॉन्स्टेंट इनवर्स होते हैं तो ये आता है एक्स ई इज इक्वल टू पी ए अपॉन में हेनरी कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन है। एक्स ए क्या है यहां पर? एक्स ए मोल फ्रैक्शन है। किसकी मोल फ्रैक्शन है? गैस की, बट गैसियस मिक्सर में नहीं है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन है गैस ए की इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है। ये एक्स ए इंक्रीज होगा, इट मींस लिक्विड में गैस ए के मोल्स इंक्रीज होंगे, मीन्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये सोल्यूबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है इनडायरेक्टली। ये पार्शियल प्रेशर है गैस का, ये कैसे आएगा? गैसियस मिक्सर में एक ही मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करने से। और ये क्या है? हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक है, अब ध्यान दोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर हायर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड्स। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर ये कॉन्स्टेंट होगा। तो क्या रिलेशन है एक्स ई एंड हेनरी कॉन्स्टेंट में? क्या रिलेशन है एक्स ई एंड हेनरी कॉन्स्टेंट में? ये रिलेशन है, मतलब एक्स ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी कॉन्स्टेंट के। हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्स ई डिक्रीज होगा। एक्स ई डिक्रीज होने का मतलब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये देखो, देखे हायर द वैल्यू ऑफ के एच मीन्स लोअर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, ये करेक्ट होता है। लेकिन ये क्या कहा है कि गैस की वैल्यू अगर हायर होगी तो सोल्यूबिलिटी भी हायर होगी, ये कहा है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। आपका आंसर तो वैसे ही आ गया, अदर स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है ये भी देख लेते हैं अपन। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच हेनरी कॉन्स्टेंट वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। हेनरी कॉन्स्टेंट जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा। और अदर किस पर डिपेंड करता है? ये गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, डिफरेंट गैसेज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है ये। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। तो ये देख सकते हो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यहां से देख सकते हो। तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि रिप्रेजेंट कर रखा है यहां से। पी ए किसके इक्वल आएगा? एक्स ई इंटू हेनरी कॉन्स्टेंट, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। द वैल्यू ऑफ के एच द वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड के एच इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो यही बात बताई थी अभी जस्ट पहले। हेनरी कॉन्स्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डिफरेंट गैसेज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपका आंसर आ गया क्या? आपको
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये सारे तो करेक्ट है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका आंसर नहीं है ना, आपका आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ गैस ए एंड एक्स मोल्स ऑफ गैस बी एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 200 पास्कल इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब एट 1000 केल्विन। गिवन आर इज द गैस कॉन्स्टेंट इन जूल पर केल्विन पर मोल, एक्स इज। वैसे ये क्वेश्चन मोल का है, बट गैसियस स्टेट टॉपिक दे दिया तो गैस से भी रिलेटेड है, बाकी क्वेश्चन मोल का है। तो देखते हैं अपन, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखोगे इधर, ये फॉर्मूला सिंगल गैस के लिए भी अप्लाई होता है, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सर के लिए भी अप्लाई होता है। तो आपको मिक्सर के लिए अप्लाई करना है, ए एंड बी जो गैसेज का मिक्सर है उसके लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ टोटल मोल लोगे। बट ओनली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही बात पूरी नहीं हो जाती, आपको ये ध्यान रखना है। PV इज इक्वल टू एन आर टी में यहाँ से N इज इक्वल टू, ये आ गया PV बाई आर टी, एन इज इक्वल टू PV बाई आर टी। ध्यान क्या रखना, देखना P को अगर आप ATA में रखते हो, P को अगर ATA में रखते हो उस कंडीशन में V को लीटर में रखना है, P को जब ATA में रखते हो तो V को लीटर में रखना है, और उस कंडीशन में जो R की वैल्यू रखोगे वो ये रखोगे 0.0821 लीटर ATA में, ये वैल्यू है। कैपिटल टी तो केल्विन में ही है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो जिसको, ठीक है। और यदि यदि आप पी को पास्कल में लेते हो, ध्यान देना इधर, पी को अगर पास्कल में लेते हो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में वी जो है ना वी को मीटर क्यूब में लोगे और आर की जो वैल्यू रखते हो वो 8.314 आएगी, आर की वैल्यू आएगी 8.314, कैपिटल टी तो सेम है ही। मेरे हिसाब से आपके ये बात समझ में आ गई होगी, n इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, वी कंटेनर का वॉल्यूम है क्योंकि ये गैस के लिए जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है तो ऑक्यूपाई कर लेती है कंप्लीट कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम मीन्स कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है। तो पी वी बाई आर टी, अब आपको यहाँ क्या करना है, ये फॉर्मूला बता दिया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन इज इक्वल टू एन यानी टोटल मोल्स इज इक्वल टू, तो 0.5 मोल है गैस ए का, 0.5 प्लस में एक्स, 0.5 प्लस में एक्स, इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। पी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, पी पास्कल में ही दे रखा है। देखो पी जब पास्कल में हो तो वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में ही रखोगे और आपको मीटर क्यूब में ही दे रखा है, बहुत बढ़िया, ये 10 आ गया। आर, आर को लास्ट देखो, ऑप्शन में भी आर है, इसका मतलब आपको आर को, आर की वैल्यू नहीं रखनी है। टी केल्विन में दे रखा है, बिल्कुल केल्विन में ही दे रखा है। चलो ये हो गया, 0.5 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर। यहां से आपको x इज इक्वल टू बताना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई आर माइनस 0.5, 2 बाई आर माइनस 0.5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू ये हो गया 2 माइनस 0.5 आर अपॉन में आर, ये हो गया, ठीक है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में भी आप ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस आर अपॉन में 2 आर हो गया, देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखना 4 माइनस आर अपॉन में 2 आर, 4 माइनस आर अपॉन में 2 आर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये देखोगे
कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन ए क्लोज्ड सिस्टम एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एंड रिलेशन दे रखा है T1 लेस देन T2. द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम इज, आपको मैग्नीट्यूड और LNV में ग्राफ लोड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क एंड LN फाइनल वॉल्यूम LNV. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, देखना फिर प्रीवियस पेज पे वापस आएंगे अपन. ठीक है, देखोगे इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन W इज इक्वल टू, ये होता है W इज इक्वल टू माइनस NRT LN V फाइनल अपॉन में V इनिशियल. अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क हो तो साइन का कोई मतलब रहेगा नहीं, ये हो जाएगा NRT LN V फाइनल माइनस LN V इनिशियल. ठीक है, ये आ जाएगा NRT LN V फाइनल माइनस NRT LN V इनिशियल. देखोगे वर्क डन है और यहां ये LN V फाइनल है, ये आपको ये ले रखा है y एक्सिस पर, ये ले रखा है x एक्सिस पर, तो किस टाइप का इक्वेशन आएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस c. मीन्स क्या बताओगे, स्लोप पॉजिटिव होगी बट इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा. किस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, इस टाइप का ग्राफ है ये. अब ध्यान दोगे डिपेंड किस पर करेगी, ध्यान देना स्लोप किस पर डिपेंड करेगी, NRT पर, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी. किसके लिए स्लोप ज्यादा होगी, जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा है उसके लिए स्लोप ज्यादा होगी. इंटरसेप्ट भी किस पर डिपेंड करेगा, इंटरसेप्ट भी डिपेंड करेगा T पर, तो मोर नेगेटिव होगा किसके लिए, हाई टेम्परेचर के लिए मोर नेगेटिव होगा. तो देख लो पीछे के पेज पे आते हैं अपन, इधर देखो ये है ग्राफ. क्या कहा मैंने, फर्स्ट बात तो ये कि जैसे ये ग्राफ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये ग्राफ, इसमें इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ओरिजिन पॉइंट ये होगा तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं T1 के लिए, यहां पर भी देखो ऐसा लग रहा है कि इसके लिए इंटरसेप्ट नेगेटिव टाइप का नहीं दिख रहा है. यहां देखो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये भी नहीं है. इधर देखो आगे लास्ट में फोर्थ देखना, ये हाई टेम्परेचर पर है, इसके लिए स्लोप ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, लो टेम्परेचर के कंपैरिजन में. और आप देख सकते हो ये देखना, ये कर्व ऐसे आएगा और ये भी, ये कर्व भी ऐसे आएगा. किसके लिए, स्लोप मोर नेगेटिव है, हाई टेम्परेचर पर स्लोप मोर नेगेटिव होगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर. तो इसका आंसर आपके आ जाएगा फोर्थ, ये. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम वाटर इज कूल टू -10 डिग्री सेल्सियस इफ Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस इज. एक सॉल्यूशन है जिसमें 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, किसमें 250 ग्राम वाटर में, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके कितना किया है, -10 किया है, -10 किया है, इसका मतलब डेल्टा Tf कितना आ गया, डेल्टा Tf 10 आ गया, डेल्टा Tf इज इक्वल टू 10. वाटर के लिए Kf दे रखा है 1.86, नहीं भी देते तो आप Kf की वैल्यू आपको ये पता है. डेल्टा Tf इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है डेल्टा Tf का फॉर्मूला, डेल्टा Tf का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा Tf इज इक्वल टू आयोटा इंटू एम इंटू Kf, आयोटा एस के लिए 1 है तो क्या आ जाएगा डेल्टा Tf इज इक्वल टू, डेल्टा Tf इज इक्वल टू ये आ जाएगा मोलेलिटी इंटू Kf. मोलेलिटी किसके इक्वल होती है,
रेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है 62 ग्राम है, एज ए सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है फॉर्मूला, और इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 62 बाई 62। ये प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, कैंसल आउट हो गया डायरेक्टली। ये वेट है सॉल्वेंट का, वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको कहोगे सॉल्वेंट का वेट तो दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है, बट जब -10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कितना सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में रहेगा, वो वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या हो गया, ठीक है। केएफ जो है वाटर के लिए वो है 1.86, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू सॉल्वेंट आ जाएगा यहां से, डब्ल्यू सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये लिक्विड का या वाटर का वो वेट है जो अभी भी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और एज ए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब अपन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करें तो एज ए लिक्विड स्टेट में अभी भी, तो कितना आएगा यहां से, ये 186 ग्राम, 186 ग्राम एज ए लिक्विड है, था कितना इनिशियली, इनिशियली था 250 ग्राम, तो एज ए आइस सेपरेट कितने ग्राम हुआ, सेपरेशन कितने ग्राम का हुआ एज ए आइस, तो कोई दिक्कत नहीं माइनस कर दो ना 250 में से, एज ए लिक्विड अभी भी है 186 ग्राम, तो क्या बताओगे एज ए आइस सेपरेट कितना हो गया 64 ग्राम, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। कोई डाउट हो तो देख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन टॉपिक का ही है, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज। एक आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट 350 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर 7×10³ पास्कल एंड 12×10³ पास्कल रेस्पेक्टिवली। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 mole% ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर इज। कंपेरिजन है राउल्ट लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ का, ध्यान दोगे इधर, ये होता है फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इक्वल होता है पी नॉट ए एक्स ए, वैसे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। पी ए इक्वल होगा पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी के, वैसे ही अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ पी ए किसके इक्वल होगा, तो डॉल्टन लॉ में क्या होगा, डॉल्टन्स लॉ जो है वो वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन को यूज करता है, जैसे ये देखो आप, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, ध्यान देना इधर बोर्ड पे देखना, ये टू लिक्विड का मिक्सर है ए प्लस बी, ए की जो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ही है, बी की लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स बी है, ये लिक्विड की सरफेस पर ये वेपर है, ये वेपर का मिक्सर है जहां पर ए की भी वेपर है और बी की भी वेपर है, वेपर स्टेट में ए की मोल फ्रैक्शन है वाई ए और बी की मोल फ्रैक्शन है वाई बी एंड वाई ए, वाई ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट। आप कहोगे इसका क्या मीनिंग है, जैसे ए की वेपर के 2 mole है, ए की वेपर के और बी की वेपर के 8 mole है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, वाई ए की वैल्यू क्या आएगी 0.2 आएगी और वाई बी की वैल्यू 0.8 आ जाएगी, वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू बी वन होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू बी वन होगा, ठीक है। ए का जो वेपर प्रेशर है उसको पी ए और बी के वेपर प्रेशर को पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए, तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, तो
तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, तो यहां से पी ए इक्वल आ जाएगा, ये नोट कर रखा है मैंने, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ऐसे ही अगर बात करें कि पी बी किसके इक्वल होगा, तो पी बी इक्वल होगा पी नोट बी एक्स बी के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन लॉ अप्लाई कहां होगा पहले, तो डॉल्टन लॉ अप्लाई होगा इस वेपर मिक्सर के लिए अप्लाई होगा। और क्या बताता है डॉल्टन लॉ, किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है इक्वल होता है उस गैसियस मिक्सर या वेपर प्रेस मिक्सर में उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे आपको पीए बताना है, पीए बताना है, तो पीए इक्वल होगा वाई ए इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही पीबी इक्वल हो जाएगा किसके, वाई बी इनटू पी के, इक्वल कर दो पीए, ये भी है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ और ये अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ है, इक्वल कर दो, पीए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी। तो क्या आ जाएगा यहां से देखना, ये आएगा वाई ए इंटू पी इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ठीक है। तो यहां से वाई ए किसके इक्वल आएगा, वाई ए इक्वल आएगा पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी। ऐसे ही वाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, वाई बी इक्वल आ जाएगा पी नोट बी एक्स बी अपॉन में पी, डिवाइड कर दो वाई ए बाई वाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, वाई ए बाई वाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहां से ये आएगा वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी नोट बी एक्स बी, वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल टू, आपको यही वाई ए बाई वाई बी ही बताने को कहा है, वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल टू पी नोट ए बाई पी नोट बी। आपको पी नोट ए एंड पी नोट बी की वैल्यू दे रखी है, देखो देखे इधर, पी नोट ए दे रखा है आपको 7 × 10³ और पी नोट बी दे रखा है 12 × 10³। और आपको क्या दे रखा है, ए का जो मोल परसेंट है वो 40 दे रखा है, तो 40/60, तो ये दे रखा है आपको 7 × 10³, देख लो ये, और सेकेंड दे रखा है 12 × 10³, 12 × 10³ ये 0.4 है, 40% मोल परसेंट, इसका मीनिंग यही हुआ मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 0.4/0.6 ये आ गया 2/3, तो ये आपके ये आ जाएगा 2/3 का मतलब 14 अपॉन में 36 इज इक्वल टू ये आ गया 7/18 7/18 वाई ए अपॉन में 1 − yA, वाई बी को आप नोट कर सकते हो 1 − yA, तो वाई ए अपॉन में 1 − yA इक्वल आएगा 7/18 के। तो यहां से वाई ए बता दो और वाई बी, एटीन वाई ए इज इक्वल टू 7 − 7yA, तो 25yA इक्वल हो जाएगा किसके 7 के, तो वाई ए इज इक्वल टू 0.28, वाई ए इज इक्वल टू 0.28। इससे उसको एक्स ए से ही रिप्रेजेंट किया है, देखना मोल फ्रैक्शन तो किसकी पूछी है, वेपर की पूछी है, लेकिन रिप्रेजेंट किया एक्स से, अपन ने एक्स से रिप्रेजेंट किया लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, अपन ने वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया, वाई ए और वाई बी से, तो आपका वाई ए आ गया यहां से 0.28, तो वाई बी कितना आ जाएगा, वाई बी आ जाएगा 1 में से माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्यूशन टॉपिक का, ये भी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन, डेल्टा टी बी इक्वल है डेल्टा टी एफ के, द रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ इज, तो ग्लूकोज है इट मीन्स आयोटा क्या होगा उसके लिए, आयोटा होगा 1,
तो डेल्टा टीबी को डेल्टा टीएफ के इक्वल कर देते हैं, डेल्टा टीबी को इक्वल कर देते हैं किसके, डेल्टा टीएफ के, ठीक है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी इक्वल होता है आयोटा इंटू एम इंटू केबी, और ये होता है इक्वल आयोटा इंटू एम इंटू केएफ। दोनों में ही एज ए सॉल्यूट क्या है, एज ए सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो आयोटा वन होगा। मोलेलिटी फर्स्ट केस में मोलेलिटी यानी कि वन है इंटू के बी इज इक्वल टू, सेकेंड केस में मोलेलिटी मोलेलिटी टू है, रिलेशन बताने को कहा था। बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, कुछ था भी नहीं अगर देखा जाए तो। के बी इक्वल आएगा टू के एफ के, के बी इज इक्वल टू टू के एफ, ये आपका आंसर आ गया, के बी इज इक्वल टू टू के एफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी की प्रॉब्लम है। फर्स्ट में वाटर एंड शुगर, और ये सेपरेशन मेथड है इस साइड में, और आपको क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। ये मिक्सर है, उस साइड में किससे सेपरेट किया जाएगा, तो वाटर एंड शुगर है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, आपको इसमें से शुगर को सेपरेट करना है। तो शुगर को सेपरेट करना है, इसका मतलब क्या करोगे आप, रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। शुगर का सॉल्यूशन है, आपको शुगर को सेपरेट आउट करना है। फर्स्ट है सब्लिमेशन, ये मेथड कब यूज होगी, जब वन कंपोनेंट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, वन कंपोनेंट डायरेक्टली क्या हो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, तब ये मेथड यूज करेंगे सब्लिमेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगी फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे किसके लिए, मिसिबल लिक्विड्स के लिए और ये इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। तो अब आप देख लो इनमें से ए के लिए कौन सा आ जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन, ए के लिए क्यों आ जाएगा, एनिलीन एंड वाटर मिसिबल लिक्विड्स है तो इसके लिए आर आ जाएगा, वाटर एंड टोलुइन इमिसिबल लिक्विड है इसके लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आएगा, ये आएगा, ठीक है। क्यू आर और एस, क्यू आर एस फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ज्यादा रिलेशन था नहीं इसका सॉल्यूशन टॉपिक से। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल इज फाउंड टू बी -0.2 degree Celsius, व्हाइल इट शुड हैव बीन -0.5 degree Celsius फॉर प्योर मिल्क, हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड टू प्योर मिल्क टू मेक द डाइल्यूटेड सैंपल। यहाँ एक डाइल्यूटेड सैंपल है, एक प्योर मिल्क है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो डेल्टा टी ए बताएंगे इसके लिए। वाटर मिल्क इज एन इमल्सन, इमल्सन है, जिस किस टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जिसको वाटर से डाइल्यूट कर सकते हो ना, वो ऑयल इन वाटर टाइप का है, ऑयल इन वाटर टाइप का होगा, उसमें ही वाटर ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। इनवर्स होगा ना, वाटर इन ऑयल टाइप का होगा तो उसको वाटर से डाइल्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब मिल्क का किस टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। तो इसमें एज ही अगर कहे इमल्सन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलोइड है। तो अगर कहे कि डिस्पर्सन मीडियम कौन है इसमें, तो वाटर है और ऑयल एज ए डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टीएफ की बात करें, डेल्टा टीएफ किसके लिए, डाइल्यूटेड सैंपल के लिए, डेल्टा टीएफ क्या आएगा, तो डेल्टा टीएफ आएगा 0.2, किसके लिए, डाइल्यूटेड सैंपल के लिए। डेल्टा टीएफ मैं डीएस नोट कर लेता हूं, डाइल्यूटेड सैंपल, और डेल्टा टीएफ मिल्क के लिए कितना है, मिल्क के लिए डेल्टा टीएफ है 0.5, ठीक है। डेल्टा टीएफ इक्वल होता है किसके, आयोटा इंटू एम इंटू केएफ के, केएफ सेम रहेगा। तो देखते हैं, और जो भी मिल्क में अगर कहे कि ऑयल का जो कंटेंट है वो भी सेम रहेगा, ओनली क्या प्योर मिल्क में और डाइल्यूटेड में किसका डिफरेंस होगा, वाटर का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। प्योर मिल्क में और डाइल्यूटेड सैंपल में वाटर का ही तो डिफरेंस होगा, यानी सॉल्वेंट का डिफरेंस होगा। तो ये डेल्टा टीएफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन में डेल्टा टीएफ मिल्क इज इक्वल टू आगे आपके 2/5 इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूं मैं सॉल्यूट के मोल, ये सॉल्वेंट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट,
डब्ल्यू सॉल्वेंट है किस में, ये डब्ल्यू सॉल्वेंट किस में, डाइल्यूटेड सैंपल में, और ये आ जाएगा आपके एक्स बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट, ये डब्ल्यू सॉल्वेंट किस में, मिल्क में, ये हो गया। तो क्या रेशियो आ जाएगा, डब्ल्यू सॉल्वेंट इन मिल्क अपॉन में डब्ल्यू सॉल्वेंट, भले इसको डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू ले लो आप जो भी, टू बाई फाइव है रेशियो जो है मिल्क और डाइल्यूटेड सैंपल में, टू रेशियो फाइव है, इसका मतलब टू टू ग्राम में, अगर थ्री ग्राम से डाइल्यूट करोगे तो आपका ये डाइल्यूटेड सैंपल मिल जाएगा, यानी टू पोर्सन मिल्क में थ्री पोर्सन अगर वाटर एड करोगे, इट मीन्स यू कैन प्रिपेयर डाइल्यूटेड सैंपल टू बाई फाइव। तो वाटर के लिए जो मास का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, डेंसिटी और अदर के लिए भी कहेंगे तो वही रेशियो आ जाएगा। तो क्या बता सकते हैं अपन, टू पोर्शन में जो भी यूनिट लिए, टू लीटर ले लो, टू लीटर में थ्री लीटर वाटर ऐड करना होगा, टू लीटर मिल्क में थ्री लीटर वाटर ऐड करना होगा, या आपको कहा है कि कप का है तो टू कप में थ्री कप वाटर ऐड करना होगा, टू कप मिल्क में थ्री कप वाटर। तो देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है K2SgI4 और आपको कहेगी इज 40% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ इट्स वांट ऑफ फैक्टर इज, आयोटा की वैल्यू बतानी है आपको, बस बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये होता है फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, अल्फा आपको दे रखा है 0.4, आयोटा बताना है एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या होगी, तो ये कैसे आयोनाइज होता है K2SgI4 कैसे आयोनाइज होता है, इस तरह से आयोनाइज होता है 2K++ में SgI4 2 माइनस, तो क्या बता दोगे एन की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, तो एन की वैल्यू 3 आएगी, इसका मतलब 3 माइनस वन यानी 2, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.8 आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू आएगा आपके 1.8, आयोटा इज इक्वल टू 1.8, 0.4 इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 3 है तो ये वैल्यू 2 होगी, 2 इंटू 0.4 0.8 1 प्लस 0.8 1.8। क्वेश्चन नंबर 9 था, ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस बी, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज थ्राइस देन दैट ऑफ गैस बी एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, द प्रेशर ऑफ द गैसेज फॉर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर, मोल इक्वल है, आपको कहा है कि प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, बता देते हैं बिल्कुल, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से पी इज इक्वल टू जेड आर टी बाई वी, ओके, तो पी ए बाई पी बी किसके इक्वल आएगा, पी ए बाई पी बी, टी सेम है नोट कर रखा है बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू, ये हो गया जेड ए बाई जेड बी, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां क्या आएगा वी बी आएगा और यहां आएगा वी ए, ठीक है, जेड ए आपको क्या कहा है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज थ्राइस, तो ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, वी बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इज ट्वाइस देन डेट ऑफ गैस बी, ए का वॉल्यूम डबल है, ए का वॉल्यूम डबल है, तो ये 2 हो गया, ये 1, ये 3/2 आ गया, 3/2 पी ए बाई पी बी आ गया 3/2, तो रिलेशन क्या आया, 2PA = 3PB, 2PA = 3PB।
ये रिलेशन आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई। ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए, देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई इज, देखोगे 4% एक्वस सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ही लेंगे क्योंकि फ्रिजिंग पॉइंट में मोलेलिटी यूज होती है और मोलेलिटी के लिए वेट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कहा है कि फ्रिजिंग पॉइंट जो है किसका 4% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स का इक्वल है किसके फ्रिजिंग पॉइंट के, 12% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाई के फ्रिजिंग पॉइंट के इक्वल है। ए का मोलिकुलर वेट, एक्स का मोलिकुलर वेट ए है तो आपको वाई का मोलिकुलर वेट कहा है। एक्स और वाई क्या है, सोल्यूट है, एक्स एंड वाई सोल्यूट है। अगर फ्रिजिंग पॉइंट सेम है, एक्वा सॉल्यूशन है एज ए सॉल्वेंट, दोनों में ही वाटर है, तो फ्रिजिंग पॉइंट अगर सेम है इट मींस डेल्टा टीएफ सेम होगा। डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन वाई। डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, मोलेलिटी इनटू केएफ के, केएफ दोनों का सेम रहेगा क्योंकि एज ए सॉल्वेंट वाटर है, तो मोलेलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू मोलेलिटी फॉर वाई, ये आ जाएगा मोलेलिटी। ये अब मोलेलिटी किसके इक्वल होती है, वेट, वेट फर्स्ट में है फोर, ए का मोलिकुलर वेट आपको एक्स का मोलिकुलर वेट दे रखा है ए, एक्स का मोलिकुलर वेट ई, ये यहां आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये 96 आएगा यहां और ये 1000 आएगा इज इक्वल टू ये 12 है। यहां मोलिकुलर वेट बताना है आपको, मोलिकुलर वेट बताना है, ये 12 माइनस कर दोगे अगर 100 में से तो पीछे क्या रहेगा 88 रहेगा, 88 और बाई 1000। तो करेक्ट आंसर तो ये यहां से आएगा, बट अगले ने क्या किया है पता है क्या, इसको 100 ही ले लिया है और 100 लेकर के डायरेक्ट बता दिया या अप्रोक्सीमेट आंसर बता दिया क्योंकि सारे आंसर इंटीजर में। अब आप देखो इधर, ठीक है कि रियल आंसर क्या आना चाहिए, मोलिकुलर वेट उसका एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, तो एग्जैक्टली मोलिकुलर वेट यहां से आएगा, ठीक है, ये 1000 से 1000 आ गया, ये यहां पर ये 3 आ गया, तो इसने क्या किया डायरेक्टली क्या बता दिया, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू ये कर दिया 3a, जबकि आना ये चाहिए मोलिकुलर वेट, ये आना चाहिए मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 3 इंटू 96 इंटू ए अपॉन में 88, ये आना चाहिए, मोर देन स्लाइटली मोर देन 3 आना चाहिए, 3a आना चाहिए, बट यहां ऑप्शन में 3a एंड 4a है तो अपन ये बताएंगे आंसर, ये आ जाएगा 3a, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, डब्ल्यू ग्राम ऑफ द एसिड डिजॉल्वड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन, इफ द परसेंट एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म डाइमर, ये फॉर्म है, फॉर्म डाइमर इन द सोल्यूशन इज 80, देन डब्ल्यू इज, वेट बताना है, कुछ भी नहीं है, ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू मोलेलिटी इंटू के एफ, ठीक है, के एफ आपको दे रखा है बेंजीन के लिए 5 दे रखा है, डेल्टा टी एफ भी दे रखा है 2 दे रखा है, आयोटा और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में ये रिलेशन होता है, एल बीटा इज इक्वल टू, मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से, बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा एन आयोटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एन, आपको दे रखा है बीटा, बीटा क्या दे रखा है कितने परसेंट एसोसिएशन हो रहा है 80%, 0.8 है ये, 0.8 इज इक्वल टू एन टू आएगा आयोटा माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एन, यानी कि क्या आ गया आपका माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 2 डाइमर का फॉर्मेशन करता है ना, तो माइनस 0.8 इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 2, तो 2 आयोटा इज इक्वल टू 1.2 आयोटा इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा, आयोटा आएगा 0.6, ये हो गया 0.6,
डेल्टा टी एफ आपको दे ही रखा है, टू दे रखा है। मोलेलिटी के लिए वेट ले लो, डब्ल्यू का है वेट, इसके लिए मोलिकुलर वेट आपको दे रखा है बेंजोइक एसिड का, ये दे रखा है 122। 30 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। केएफ आपको दे रखा है 5, ये हो गए, ये 3 आ गया, तो ये 10 रह गया, तो W इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 × 122/100, तो 244/100, 2.44 ग्राम, तो आपका आंसर ये आ गया 2.4 ग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स ई एंड बी आर 400 and 600 mm ऑफ मर्करी रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सम ऑफ दियर इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5 इन द मिक्सर। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज रेस्पेक्टिवली आर। तो कुछ भी नहीं, आपको एक लाइन दी है, देखना, ये दिया है, ये क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, ये कि द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सर, मींस डेल्टा वी जीरो है, और डेल्टा वी जीरो इट मींस ए एंड बी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं है, इसका मतलब ए एंड बी आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे, और आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, क्या बताने में, वेपर प्रेशर बताने में सॉल्यूशन का, कैसे बताएंगे सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर बाय राउल्ट लॉ, P इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी, ये हो गया। यहां ये ए की मोल फ्रैक्शन है, ये बी की मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूं, ये 400 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 400 × 1/2 प्लस में 600 × 1/2, तो ये 200 आ गया, ये 300 आ गया, 200 और 300 मतलब 500 आ गया आपके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बी की मोल फ्रैक्शन दी थी 0.5, ए की भी 0.5 ही होगी, क्योंकि 1 माइनस एक्स बी इक्वल होता है एक्स ए के। ठीक है, अब आपको बताना है वाई ए और वाई बी क्या होंगे, वाई ए और वाई बी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था वाई ए बाई वाई बी किसके इक्वल होता है, वाई ए बाई वाई बी इक्वल होता है किसके, पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी नोट बी एक्स बी के, हो गया, वाई ए बाई वाई बी इक्वल होता है पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी नोट बी एक्स बी, पी नोट ए बाई पी नोट बी क्या दे रखा है 400/600 यानी 2/3 आ गया, ये इंटू एक्स ए और एक्स बी दोनों ही क्या है 0.5 और 0.5, तो ये 1 और 1 आ गया। अब यहां से किसी को भी रिप्लेस कर दो, वाई ए को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 − yb, तो क्या आ जाएगा यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, 1 − yb अपॉन में वाई बी किसके इक्वल होगा 2/3 के, मल्टीप्लाई कर दो 2yb इक्वल होगा 3 − 3yb के, तो 5yb = 3, yb = 0.6, yb इज इक्वल टू 0.6 है, तो ye इज इक्वल टू क्या होगा 0.4 होगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी, क्वेश्चन करने के लिए कम से कम टाइम में करना होता है, तो कम से कम टाइम में करना होता है, तो ये देखो ये 500 आने के बाद में 0.5 और 0.5 तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि ya बाई वाई बी किसके इक्वल होता है, पी नोट ए एक्स ए अपॉन में पी नोट बी एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी इक्वल है, इसका मतलब ya बाई वाई बी का रेशियो क्या होगा पी नोट ए बाई पी नोट बी, तो जो पी नोट ए और पी नोट बी का रेशियो है वही होगा 0.4 और 0.6, या आप ये कह सकते थे ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसका मतलब 500 का ऑप्शन एक ही तो था, तो आप टिक कर सकते थे बहुत फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन वॉटर एट 298 केल्विन द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट आर 0.5 किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, एक्स के लिए 2 है,
वाई एंड जेड के लिए हेनरी कांस्टेंट काफी आई है, 35 एंड 40 है किलो बार रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज, तो ये एक साइड में पार्शियल प्रेशर है, एक साइड में मोल फ्रैक्शन है, किसकी? वाटर की। तो मैं इंडिविजुअली गैस के लिए अगर बात करूं कि ओनली जैसे यहां डब्ल्यू ही है, ये वाटर है, ये डब्ल्यू गैस है, तो मोल फ्रैक्शन ये एक्स डब्ल्यू प्लस में एक्स वाटर इज इक्वल टू वन होगा। तो एक्स डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? वन माइनस एक्स वाटर के इक्वल हो जाएगा। एक्स डब्ल्यू अगर कहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डब्ल्यू इन वाटर इज, तो वन माइनस एक्स वाटर के इक्वल होगा, क्योंकि आपको यहां मोल फ्रैक्शन वाटर की दे रखी है, गैस की नहीं दे रखी है। यहां पार्शियल प्रेशर है और यहां मोल फ्रैक्शन है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको पहले ही बता दिया था, किसी भी गैस के लिए एक्स ए, एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एक्स जी भी लिख सकते हो आप, एक्स ए इक्वल होता है किसके? पी ए अपॉन में हेनरी कांस्टेंट, पी ए बाई हेनरी कांस्टेंट। इसको आप नोट कर सकते हो, वन माइनस एक्स वाटर इज इक्वल टू पी ए अपॉन में हेनरी कांस्टेंट। तो यहां से पी ए इक्वल आएगा, पी ए इज इक्वल टू ये एक्स वाटर है जो कि एक्स एक्सिस पर ले रखा था, ये पार्शियल प्रेशर है गैस की वाई एक्सिस पर ले रखी है। तो किस टाइप का इक्वेशन है? वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखो देखे स्लोप भी किसके इक्वल है? स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ध्यान दोगे इधर देखना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। अब इंटरसेप्ट भी किसके इक्वल है? इंटरसेप्ट हेनरी कांस्टेंट के इक्वल है। तो जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव में उतना ही ज्यादा होगा। और स्लोप भी किस पर डिपेंड? स्लोप नेगेटिव है, बट स्लोप नेगेटिव में उतनी ही ज्यादा होगी जितना हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो W के लिए मिनिमम है हेनरी कांस्टेंट, फिर X का, वाई और जेड का तो काफी आई है, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इनमें से सेलेक्ट करना है, इसका मतलब ये हो गया। देखो सबसे पहले ऑर्डर यही रहेगा, इंटरसेप्ट का ऑर्डर यही रहेगा, W, X, Y, Z, तो इंटरसेप्ट का ऑर्डर तो सब में यही है, ठीक है। ये ग्राफ नहीं हो सकते क्योंकि यहां स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, ये ग्राफ नहीं हो सकते क्योंकि स्लोप पॉजिटिव आ रही है, स्लोप नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब ये देखो, ये W है, ये X है, वाई है और जेड है, ये ग्राफ ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां स्लोप X और X की स्लोप Y से भी ज्यादा है, इवन Y की भी Z से ज्यादा है, ये तो गलत बात है ना। देखो इधर हेनरी कांस्टेंट इसके लिए 40 है Z के लिए, तो Z के लिए नेगेटिव में स्लोप सबसे ज्यादा होगी Z के लिए, ठीक है, Z के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो ये आ गया, आप देख लो, ठीक है, फोर्थ ग्राफ करेक्ट है। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द वांडरवाल्स कांस्टेंट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग गैसेस, ये गैसेस दे रखी है उनके लिए ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू भी दे रखी है। Which gas is expected to have the highest critical temperature? Critical temperature का जो increasing order होता है, critical temperature से क्या बताते हैं कि attraction कितना है, easily liquefy होगी, ये critical temperature decide करता है। Critical temperature वो highest temperature है जहां तक आप gas को pressure apply करके liquefy कर सकते हो। Just like A gas के लिए अगर critical temperature 300 है, it means गैस ए कैन बी लिक्विफाइड अप टू 300 केल्विन, 300.1 केल्विन पर भी प्रेशर अप्लाई करके आप ए को लिक्विफाई नहीं कर सकते।
तो आप क्या बताओगे, जो क्रिटिकल टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वही अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वही ए का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जिस गैस के लिए ए मैक्सिमम होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ए किसके लिए मैक्सिमम है, ए की वैल्यू ए देखोगे, ए क्रिप्टॉन के लिए मैक्सिमम है, ए क्रिप्टॉन का मैक्सिमम है, आप देख सकते हो 5.1 है। तो क्रिप्टॉन के लिए क्या बताओगे, क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड्स एम एंड एन आर 450 एंड 700 mm ऑफ मर्क्यूरी रेस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, रिलेशन बताना है, एक्स एन क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन एन इन सॉल्यूशन यानी लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन है। एक्स लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन है और वाई वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन है, जो कि अपन इनिशियली ही रिप्रेजेंट अपन ऐसे ही कर रहे थे, एक्स लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन ले रहे थे और वाई ले रहे थे अपन वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन। तो अभी इसमें भी वापस वही आ गया, तो अपन ने रिलेशन बताया था आपको याद हो तो, जैसे एम और एन के लिए बताएंगे तो ये आ जाएगा वाई एम बाई वाई एन इज इक्वल टू पी नोट एम, पी नोट एम कितना है 450 है और ये 700 है। यहाँ क्या आएगा, एक्स एम आएगा और यहां आएगा एक्स एन, ये 9 है 9/14। तो अपन क्या कह सकते हैं, वाई एन वाई एम बाई वाई एन अपॉन में एक्स एम बाई एक्स एन इक्वल है किसके, 9/14 के, 9/14। तो वाई एम बाई वाई एन वाई एम बाई वाई एन लेस देन, लेस देन क्या बताओगे, एक्स एम बाई एक्स एन या एक्स एम बाई एक्स एन मोर देन वाई एम बाई वाई एन, ये रिलेशन आ गया इस साइड में। तो यहां से आप देख लो कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है, एक्स एम बाई एक्स एन मोर देन वाई एम बाई वाई एन, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखो यहां से ये रिलेशन आ गया, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, शांत होकर के इजीली अगर देखते कुछ भी नहीं था, टिक लगा देते, बस इतना ही था। टॉपिक के बारे में बात कर लिए, ये रिलेशन भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्स वाई इन वाटर इज 4 times दैट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 mBaCl2 इन वाटर, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड इन वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई इन सोल्यूशन इज। तो BaCl2 को तो आपको 100% आयोनाइज करना ही है, इवन एक्स वाई को भी कंप्लीटली डिसोसिएट मानना है, ठीक है। तो पाई इक्वल होता है, पाई इक्वल होता है किसके, आयोटा CRT के, सी मोलरिटी है यहाँ, आयोटा CRT के। तो पाई एक्स वाई अपॉन में पाई BaCl2 इक्वल होगा किसके, आयोटा एक्स वाई का 2। कंसंट्रेशन बतानी है आपको, तो मैं इसको एम ले लेता हूं, आर और टी इसके बारे में कोई टेम्परेचर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो दोनों का इक्वल लेंगे, आर वैसे भी सेम रहता ही है, अपॉन में ये 3 आएगा इसके लिए, और ये मोलरिटी आपको दे रखी है 0.01, ठीक है। पाई एक्स वाई और पाई BaCl2 में क्या रिलेशन है, तो क्या कहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्स वाई इन वाटर इज 4 times दैट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 mBaCl2, तो उसका पाई 4 times है, तो ये 4/1 = 2m अपॉन में 0.03, ये आ गया m = आ गया 0.06 यानी 6×10^-2, 6×10^-2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एट ए गिवन टेम्परेचर टी गैसेज नियोन ऑर्गन जिनोन एंड क्रिप्टॉन आर फाउंड टू डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, देयर इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन एज P is equal to RT अपॉन में V-B एट टी।
Here B is the van der Waal constant. Which gas will exhibit steepest increase in the plot of Z versus P? Z और P में plot graph बनाना है Z और P में, और आपको बताना है कि किसके लिए, कौन सी गैस के लिए स्लोप जो है ना, स्लोप मैक्सिमम आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप किस पर डिपेंड करेगी ये देखेंगे। तो PV इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, PV माइनस PB, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, PV माइनस PB इक्वल आएगा किसके, RT के, हो गया, डिवाइड कर दो RT से, RT से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया Z और वो आ गया 1, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT, ये हो गया, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। किसके बीच में ग्राफ, किसके बीच में है, एक साइड में जेड ले रखा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले रखा है, और एक साइड में पी ले रखा है। तो देखो देखे किस टाइप का ग्राफ आ गया, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है, एम किसके इक्वल है, एम इक्वल है बी बाई आर टी के, बी बाई आर टी के, ये सेम है सबके लिए। तो किस पर डिपेंड करेगा, आर वैसे भी सेम रहता है, तो स्लोप किस पर डिपेंड करेगी, स्लोप डिपेंड करेगी बी की वैल्यू पर, बी बी किसको बताता है, साइज को बताता है बी, तो साइज को बताता है, इसमें से जिसके लिए साइज मैक्सिमम होगी उसके लिए क्या बताएंगे, उसके लिए स्लोप मैक्सिमम आएगा। मतलब ये ग्राफ सारे ऐसे आते हैं, ध्यान देना, इस टाइप के ग्राफ आते हैं, ये जेड ले रखा है, ये पी ले रखा है, ये ग्राफ सारे ही ऐसे आएंगे। अब किसके लिए स्टीपेस्ट आएगा, जिसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है, बी बाई आर टी के इक्वल है, बी बाई आर टी के, तो बी पर डिपेंड करेगा, जिसके लिए बी मैक्सिमम है उसके लिए स्लोप मैक्सिमम होगा। तो बी देख लो, मैक्सिमम हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, जिनोन के लिए बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसके लिए स्लोप भी मैक्सिमम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर ए फॉर ए सॉल्वेंट इज 4 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट मीन्स केएफ है, ये केएफ 4 दे रखा है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज, डेल्टा टीएफ बताना, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होगा, डेल्टा टीएफ आयोटा इंटू मोलेलिटी इंटू के एफ, आयोटा इंटू मोलेलिटी इंटू के एफ, आयोटा आपको ये नोट कर रखा है, देखो एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली आयोनाइज करोगे, आयोटा उसका 3 आएगा, मोलेलिटी आपको दे रखा है 0.03 के एफ की वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है के एफ की वैल्यू। तो देखो 12 इंटू 0.03 0.36 आएगा, 0.36 केल्विन, ये होगा 0.36 केल्विन, कोई डाउट नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 20। एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 35 mm ऑफ मर्क्यूरी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, डेल्टा पी बताना आपको, डेल्टा पी, तो कैसे बताएंगे डेल्टा पी, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल होता है, ये आर एल वी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी बाई पी नॉट किसके इक्वल होता है, एक्स ए के इक्वल होता है, एक्स ए के, तो डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, डेल्टा पी इक्वल होगा एक्स ए इन टू पी नोट, तो पी नोट आपको दे रखा है 35, पी नोट तो दे रखा है ना, 35 दे रखा है, एक्स ए क्या आ जाएगा, एक्स ए कैसे बताएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.60 अपॉन में 60, 0.6/60 यानी ये 10^-2 आ गया, 10^-2 ये 10^-2 प्लस में 360/18 यानी 20। अब ये 20 में 10^-2 को ऐड करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, देखो 20
प्लस में 10 की पावर माइनस 2 यानी 20.01। तो 20.01 नोट करो या 20 नोट करो, एक ही बात है। तो ये मैं x ये की जगह ये ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 2 बाई 20 इंटू 35, ये हो गया। और एग्जैक्टली अगर आपको बताना है तो भले 20.01 रख दो, मेरे हिसाब से मीनिंगलेस है, कोई मतलब है नहीं। तो यहां से ये आ जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये आ गया आपका सेकेंड आ गया, हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, तो ऑप्शन में देखते हैं बी एंड डी के लिए ए की वैल्यू सेम है और ए एंड सी के लिए बी की वैल्यू सेम है। तो जब भी अट्रैक्शन को कंपेयर करना होगा तो अपन कंपेयर कर सकते हैं, ये बी की वैल्यू सेम है किस गैस के लिए, ए एंड सी गैसेस के लिए बी की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या कहोगे आप, ए किसका ज्यादा है, स्मॉल ए किसका ज्यादा है, तो ए गैस का ज्यादा है। ए गैस के लिए ये 642.32 है और सी गैस के लिए ये 431.91 है। इसका मतलब ए गैस में जो अट्रैक्शन होगा वो सी के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, ए गैस में अट्रैक्शन होगा वो सी के कंपेरिजन में ज्यादा होगा। ए ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू सी या सी ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू ए गैस। तो देखे गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, ये लाइन सही है ये। अब देखते हैं बी के लिए देखेंगे, तो बी किसको रिप्रेजेंट करेगा जब ए की वैल्यू सेम हो। ए की वैल्यू सेम कहाँ है, बी एंड डी में, बी एंड डी में ए की वैल्यू सेम है, ए की वैल्यू सेम है। बी की वैल्यू देख लेते हैं, ये है बी की वैल्यू। इसका मतलब ये साइज जो है ना किसके लिए, गैस बी के लिए साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू गैस डी, डी में ये। तो बताओ देखे किस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, यहां कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी यहां के कंपेरिजन में। तो बी इज मोर कंप्रेसिबल, गैस बी इज मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू गैस डी, ये इसमें ही है बिल्कुल, गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। ठीक है, ये हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी हुज इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट यानी के बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। द रेशियो ऑफ द एलिवेशन ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी ए ऑफ डेल्टा टी बी बी इच, कुछ भी नहीं है देखना, डेल्टा टी बी इक्वल होता है किसके, डेल्टा टी बी इक्वल होता है आयोटा इंटू एम इंटू के बी के, आयोटा सेम है के लिए लिखा है, आयोटा वन है, आयोटा वन है, इसका मतलब नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नोट कर रखा है तो आयोटा वन हो गया। सॉल्यूट का वेट 100 ग्राम है इन बोथ केसेज, सॉल्यूट का वेट 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ए एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बी, ये कहा है। तो क्या बताओगे फर्स्ट एंड सेकेंड में, डेल्टा टी बी ए अपॉन में डेल्टा टी बी बी इक्वल होगा किसके, बाकी सारे सेम है, मोलेलिटी सेम आएगी, के बी अलग अलग है, तो के बी ऑफ ई के बी बाई बी, के बी ए और के बी बी के इक्वल हो, तो के बी ए और के बी बी का जो रेशियो है वो है 1:5। तो डेल्टा टी बी का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5 आ जाएगा, 1:5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा टी बी ए अपॉन में डेल्टा टी बी बी किसके इक्वल होगा, के बी ऑफ ए अपॉन में के बी ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 23 में पॉइंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन द फॉलोइंग प्लॉट रेस्पेक्टिवली कोरेस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये देखना वी एम पी जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, किसके इक्वल होता है वी एम पी, वी एम पी इक्वल होता है 2RT/m के, तो वी मोस्ट प्रोबेबल इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
रूट टी बाई एम के, कैपिटल एम है, ठीक है। देख लेते हैं हाइड्रोजन के केस में, देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए 300 केल्विन पर ही दिया है हाइड्रोजन के लिए, तो क्या आ जाएगा हाइड्रोजन के केस में, रूट आएगा 150। हाइड्रोजन के केस में रूट 150 आएगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के केस में। अब 300 केल्विन पर ही किसका दिया था, नाइट्रोजन का भी दिया है 300 केल्विन पर, तो 300 केल्विन पर नाइट्रोजन का दिया है, इसका मतलब 300 अपॉन में ये 20 आ गया, 300 बाई 20, ये किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए। ऐसे ही देख लेते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो 400 बाई 32 यानी 100 बाई 8 आएगा, रूट में 100 बाई 8, ये रूट 150। तो मैक्सिमम तो किसका होगा, हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा, हाइड्रोजन का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होगी, इस साइड में ही तो है वेलोसिटी, किसके लिए मैक्सिमम है, हाइड्रोजन के लिए। तो ये हाइड्रोजन का ग्राफ होगा, थर्ड हाइड्रोजन का है, उसी ऑर्डर में ही बताना आपको, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हाइड्रोजन का है, तो थर्ड हाइड्रोजन का है, तो आपका आंसर तो वैसे भी आ गया, ये देखो, बाकी आप कंपेरिजन कर सकते हो, ये रूट में 100 बाई 8 है, और ये देख लो 9 से ज्यादा ही होगा, तो 100 बाई 9 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम है इसके कंपेरिजन में, ठीक है, ये वैल्यू कम है, इसका मतलब मिनिमम आएगा, मिनिमम किसके लिए आएगा, नाइट्रोजन के लिए मिनिमम आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा, और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, पाई इज इक्वल टू आयोटा सीआरटी होता है, आयोटा की वैल्यू ग्लूकोज के लिए एंड यूरिया के लिए आयोटा 1 आएगा, मोलेरिटी बतानी है, तो 100 ml में ही यूरिया भी है ग्लूकोज भी है, तो कितने मोल हो गए, 0.6 ग्राम यूरिया मींस 10^-2 मोल, 1.8 ग्राम ग्लूकोज मींस ये भी 10^-2 मोल, तो क्या आ जाएंगे, 2 × 10^-2 अपॉन में 100 ml में, 100 ml में इसका मतलब ये 100 और ये 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू आर टी कर दोगे तो 0.0821 × 300, ये आ गया 2 × 10^-1 यानी 0.2, 2 × 10^-1 यानी 0.1 इंटू, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 24.63, तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 24.63 से, ये आ जाएगा आपका 4.928 ATM, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखोगे एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 512 mm ऑफ मर्करी एंड दैट ऑफ एसीटोन इज 344 mm ऑफ मर्करी, ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन हैज ए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600 mm ऑफ मर्करी, द फॉल्स स्टेटमेंट एमगस्ट द फॉलोइंग इज, हो सकता है आपको ये पता नहीं हो कि कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन जो है ये किस टाइप के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये भी पता नहीं है तो, क्योंकि आपको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो रिपीट होगा ही ना, 3 स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ओनली 1 ही तो इनकरेक्ट है, तो ये देखो जैसे सेकेंड स्टेटमेंट की बात करो, फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले, डेल्टा वी का है कि नेगेटिव है, डेल्टा वी नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देम सेल्फ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हुआ, ये कह रहा है कि एफ ए बी जो है वो लेस देन एफ ई और एफ बी बी, ये बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा है,
ये नेगेटिव डेविएशन को बता रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन एट 35 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा है. इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ये दो स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए आ गए. इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब अब नेक्स्ट भी देख लेते. राउल्ट्स लॉ इज नॉट ऑबेड बाई दिस सिस्टम. तो राउल्ट लॉ तो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो भी राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा तो भी राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होगा. तो इस स्टेटमेंट से तो आइडेंटिफाई नहीं होंगे, लेकिन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना. तो यदि नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता तब तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाते ना. अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो ओनली फर्स्ट ही करेक्ट है. इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट. आपको ओनली वन ऑप्शन ही तो सेलेक्ट करना है, और वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है इट मींस क्या बता दोगे, ये नेगेटिव है. 100 ml एंड 100 ml को ऐड करोगे, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मोर देन 200 होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे इसका मतलब वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा वो. ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है. कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो भी ये क्वेश्चन कर सकते थे इजी वे में. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. तो देखते हैं कि डॉल्टन का स्टेटमेंट कौन सा नहीं है. तो व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टी एंड पी. ये डॉल्टन का स्टेटमेंट नहीं है. ये कह रहा है कि V1 बाई V2 इक्वल होगा N1 बाई N2 के. गैसेज सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन होती है एट कॉन्स्टेंट पी एंड टी पर. ये गैलुसेक का स्टेटमेंट है, डॉल्टन का नहीं है. इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया. बाकी भी देख लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. बिल्कुल डॉल्टन का ये स्टेटमेंट है कि एटम नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, बिल्कुल ये डॉल्टन का स्टेटमेंट है. मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये भी है डॉल्टन का. ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास. ये भी स्टेटमेंट है, ये भी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का स्टेटमेंट है. इसका मतलब ये नहीं है, फर्स्ट आपका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. टू ओपन बीकर्स, वन कंटेनिंग ए सॉल्वेंट एंड द अदर कंटेनिंग ए मिक्सर ऑफ दैट सॉल्वेंट विथ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आर टूगेदर सील्ड इन ए कंटेनर ओवर टाइम. चलो, टू ओपन बीकर है, वन में सॉल्वेंट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एंड अदर में है सॉल्यूशन. ये कंडीशन है, ये है प्योर सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है इसमें. अब इनको क्या कर दिया, विथ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आर टुगेदर सील्ड इन ए कंटेनर ओवर टाइम. मतलब इसको एक कंटेनर में रख दिया, सील कर दिया. ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर हाई, ये वेपर प्रेशर लो. तो क्या होगा, वेपर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर अंटिल द वेपर प्रेशर फॉर बोथ द लिक्विड्स आर इक्वल. तो क्या बता दोगे, इसके मास पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका मास स्लाइटली डिक्रीज होगा, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज होगा. तो देख लेते हैं अपन कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है. मास पर इफेक्ट पड़ेगा तो वॉल्यूम पर भी इफेक्ट पड़ेगा. द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, ये तो गलत है. द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, ये बिल्कुल करेक्ट बात है. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज, गलत है. द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज, नहीं. वेपर का मूवमेंट होगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो देन द
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, तो 27 का आंसर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल्स ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग ग्राफ फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए बी और सी क्या है ये बताना आपको, तो कुछ सिंपल सी बात है, ए बी एंड सी क्या है, स्पीड से है। ए कन्फर्मली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्टली पार्टिकल की जो स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, लेकिन बी और सी के लिए भी देखना है, तो बी और सी के लिए देख लो, कंपेरिजन कर दो। वी मोस्ट प्रोबेबल इक्वल होता है किसके, 2RT/M के। वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी आर एम एस इक्वल होता है √3RT/M के। और वी एवरेज है, वी एवरेज वी ए वी इक्वल होता है 8RT/πm के। तो क्या आएगा, एक √2 आएगा जो मिनिमम है, उसके बाद में आएगा √8/π और फिर आएगा √3, ठीक है। वी मोस्ट प्रोबेबल ए है, ए वी मोस्ट प्रोबेबल, बी क्या है, बी आपका ये हो गया वी एवरेज, और सी क्या है, वी आर एम एस है। ए वी मोस्ट प्रोबेबल, बी वी एवरेज एंड सी वी आर एम एस, तो ये हो गया 28 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए फ्लास्क कंटेन्स ए मिक्सर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3-methylpentane, वन ऑफ द लिक्विड्स बॉयल्स एट 63°C व्हाइल द अदर बॉयल्स एट 60°C। तो ये ऑर्डर नहीं है, ये कहा है कि इनमें से वन लिक्विड 60°C पर बॉयल होगा और अदर होगा 63 पर, आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेपरेट द टू लिक्विड्स एंड विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट। तो माइनर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, दे कैन बी सेपरेटेड बाई बोथ आर एल्केन, एंड माइनर डिफरेंस है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, दे कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और कौन सा फर्स्ट, किसका, विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका फर्स्ट डिस्टिलेशन होगा, फर्स्ट सेपरेट आउट होगा वो। तो ये जो आइसोहेक्सेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 60, और 3-methylpentane इसका बॉइलिंग पॉइंट है 63°C। तो क्या बता दोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और कौन सेपरेट आउट होगा फर्स्ट, आइसोहेक्सेन होगा, दोनों आइसोमर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दोगे, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता करके ये देख लोगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो आइसोहेक्सेन का लो है एज कंपेयर टू 3-methylpentane, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखो ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर द 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई एंड जेड इज शोन बिलो। इस साइड में वेपर प्रेशर है, इस साइड में टेम्परेचर है, ये इसका वेपर प्रेशर 800 हुआ है यहां पर एक्स लिक्विड का, वाई के लिए यहां पर हुआ है 800 और जेड के लिए 800 यहां पर हुआ है वेपर प्रेशर 800, ठीक है। आपको ये बताना है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना होता तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देते कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका होगा एक्स का, फिर किसका आएगा वाई का, और देन किसका आएगा जेड का, और उसके बेसिस पर आप अट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं, अट्रैक्शन जितना लो होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, अट्रैक्शन जितना लो होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही लो होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को 800 के इक्वल करने के लिए, यहां तो 800 इक्वल हो रहा है यहीं पर 313 के अराउंड ही हो रहा है, यहां 800 हो रहा है 330 के अराउंड, 333 के अराउंड वाई के लिए, और जेड के लिए ये हो रहा है 353 के अराउंड 800 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका वेपर प्रेशर 800 करने के लिए आपको काफी टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, इसका मतलब यहां अट्रैक्शन मैक्सिमम है, यहां अट्रैक्शन मिनिमम है, अब इनमें से सेलेक्ट कर दो आप, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कंपेयर टू वाई, एक्स नहीं, इनकरेक्ट है ये, एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कंपेयर टू वाई, ये करेक्ट है, जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कंपेयर टू वाई, नहीं, जेड हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन कंपेयर टू वाई, ये इनकरेक्ट है, वाई हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन एज कंपेयर टू जेड, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ओनली यहां बी ही करेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है, ठीक है। ओनली बी किस में दे रखा है, ओनली बी दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31।
हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -0.2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी आ गया यहां से, Kf दे रखा है वाटर के लिए, तो ये हो गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, आयोटा इंटू एम इंटू के एफ। डेल्टा टी एफ कितना 0.2, डेल्टा टू टी एफ 0.2, आयोटा 2 आ जाएगा। वेट वेट ऑफ NaCl ये फाइंड आउट करना है, x ले लेता हूं, वेट ऑफ NaCl x अपॉन में 58.5, ये मॉलिकुलर वेट है NaCl का, फॉर्मूला वेट भी कह सकते हो 58.5। यहाँ 600 ग्राम वाटर है, 600 और ये 1000 और ये के एफ दे रखा है 2, ये 10 आ गया। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5 अपॉन में 100, रफली अगर कहे तो 1.8 ग्राम के अराउंड आएगा। एग्जैक्टली बताना आपको आंसर, तो एग्जैक्ट देख लो आंसर कितना आ रहा, 3, 5, ये 15, ये आ जाएगा एग्जैक्टली अगर कहे तो 1.755, ये आ गया। आप ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 32। द मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ 63%। आपको मोलरिटी बतानी है, क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है, तो डायरेक्टली रिलेशन ये है मोलरिटी। और ये रिलेशन भी पता नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 इंटू डी अपॉन में एम ए। ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज स्ट्रेंथ है, ये डेंसिटी है ग्राम पर एम एल में, और ये मोलिकुलर वेट है एम ए। तो एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है 63 इंटू 10, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.4, मोलिकुलर वेट 63, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। अब आप कहोगे हमें ये फॉर्मूला पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो आपको मोलरिटी बताना, इसका क्या मीनिंग हुआ, मास परसेंट 63 है, इसका मतलब 63 ग्राम परसेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी दे रखी है तो वॉल्यूम बता देंगे, 63 ग्राम परसेंट इन 100 ग्राम, एम दे रखा है, डी इक्वल होता है एम बाई वी के, तो v इक्वल हो जाएगा m बाई डी के, m बाई डी के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब 100 अपॉन में 1.4 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 बाई 1.4 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलेरिटी के लिए क्या करना है, मोलेरिटी के लिए यही तो चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट 63, मोलिकुलर वेट 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 अपॉन में 1.4, बट ये ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया, देख लो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सर ऑफ गैसेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड CO आर टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग चारकोल, द ग्राफ दैट प्रेजेंट्स द करेक्ट बिहेवियर ऑफ प्रेशर विथ टाइम इज। तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, और एड्सॉर्प्शन होगा इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें चारकोल है, तो चारकोल की सरफेस पर क्या होगा, गैसेस का एड्सॉर्प्शन होगा, स्टार्टिंग में रेट हाई होगी फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो डायरेक्टली था, कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकते थे, दोनों में से देखना था, तो दोनों में से देखना था, तो स्टार्टिंग में गैसेज ज्यादा है क्या होगा, रेट ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, ये प्रेशर इस तरह से डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नहीं एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट ये हो गया, ए सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 मोल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इन
थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 एस ओवन इन द फिगर आर सडनली विथड्रॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड विल बी. कुछ भी नहीं है, आपको ये दे रखा है कि मोल जो है ए सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 मोल है उसकी और 1 dm³ है इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो वहां से आप क्या कर दो, टेम्परेचर बता दोगे वहां से, और टेम्परेचर बता दोगे कैसे आएगा टेम्परेचर, ये इसका जो इथाइलिन ग्लाइकोल का टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा इस सोल्यूशन का एक्वस इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन है इसका जो टेम्परेचर होगा वही आइडियल गैस का टेम्परेचर होगा. तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा मोलेलिटी इन टू के एफ. मोलेलिटी आपको दे रखी है 0.5 मोलल है के एफ KF दे रखा है क्वेश्चन में 2-1 आ गया डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ 1 आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन है 1 को माइनस कर दो 273 में से 272 केल्विन आ गया 272 केल्विन ये टेम्परेचर आ गया 272 केल्विन. देखोगे गैस का जो टेम्परेचर आया 272 केल्विन अपन ये कैलकुलेट कर देते हैं पी गैस पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी एन नंबर ऑफ मोल है 0.1 दे रखा है आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.08 इंटू टी 272 अपॉन में वी आपको दे रखा है 1 dm³ 1 लीटर के इक्वल होता है 1 dm³ इक्वल होता है 1 लीटर के तो ये लीटर में आ गया ये. अगर ये पी देखेंगे तो पी कितना आएगा ये 272 इंटू 8 इंटू 10^-3 272 इंटू 8 इंटू 10^-3 देख लो मल्टीप्लाई कर दो ये आ गया 2.176 atm ये प्रेशर आ गया गैस का. ठीक है पी है आपके पास वी है. अब आप अगर स्टॉपर्स को रिमूव करोगे इसका मतलब अब प्रेशर कितना हो गया, स्टॉपर्स को रिमूव करते ही प्रेशर कितना आ जाएगा 1 atm. तो फाइनल वॉल्यूम बताना है तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P1V1 is equal to P2V2. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन यही हो गया यही देख लेते P1V1 is equal to P2V2. तो P गैस का अभी आया था 2.176 इंटू V1 इनिशियली वॉल्यूम कितना था 1 dm³ यानी 1 लीटर P2 1 आ जाएगा V2 बताना है तो V2 इज इक्वल टू यही आ जाएगा 2.176 dm³ कह दो या लीटर कह दो आपको लीटर में पूछा है तो 2.176 लीटर. ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग.